अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ड यूट्यूब चैनल। क्या देख रहे हैं? ट्रेंडिंग वर्ड। क्या नाम है? ट्रेंडिंग वर्ड। दो दफा बहुत ही है, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। एनीवेज, आपने जो थंबनेल के ऊपर हाइडिंग देखी है वो बिल्कुल सही है। दुनिया की चार ऐसी जगह जहां इंसान तो क्या परिंदा भी नहीं बल्कि चींटी भी नहीं आ सकती। इतनी टाइट सिक्योरिटी है, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी है। मैं आप लोगों के साथ बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मे बी आपने एक आधी जगह का नाम सुना हो, लेकिन बाकी जगह मेरा निकाल आपने नाम सुना होगा। गाइस, आपको भी मालूम है कि टाइट सिक्योरिटी की जरूरत तब पड़ती है जब या तो आपके पास बहुत ज्यादा अहम मालूम हो, ठीक है, कोई ऐसे नवादरात हो या कोई ऐसी चीज हो आपके पास जिसका आपको खो जाने का डर हो, तो तब जो है ना ऐसी टाइट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। और जब भी टाइट सिक्योरिटी का जिक्र हमारे माइंड में आता है, तब सबसे पहला ख्याल आता है मे बी ऐसी जगह मिलिट्री बेसिस हो सकती हैं, एटमी तनसीबात हो सकती हैं। लेकिन अब जो मैं आपको जगह बता रहा हूँ उसको आप गौर से तो सुनिए और देखिए। सबसे पहली जगह है बैंक ऑफ इंग्लैंड। जी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के शहर लंदन में वाकई बैंक है। और ये बैंक ऐसा बैंक है कि यहाँ बिलियंस, मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर का गोल्ड इस बैंक के अंदर पड़ा हुआ है। और इस बैंक की जो दीवारें हैं ना, सिक्योरिटी की वजह से इस बैंक की दीवारों को भी स्टील का बनाया गया है। ये टू फ्लोर की जो है ना ये बिल्डिंग है और ये टू फ्लोर गोल्ड से भरे हुए हैं। यहाँ टोटली गोल्ड है और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी हाई है कि यहाँ जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी मालूमात को भी खुफिया रखा गया है। इवन ये कि लंदन में रहने वाले बहुत सारे लोगों को भी शायद इस बैंक के बारे में मालूम ना हो। दूसरी जगह आ गई एरिया 51। जी, एरिया 51, ये एरिया 51 जो जगह है लॉस वेगस अमेरिका में है। और इस जगह की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए और लोगों से दूर रखने की वजह से, रखने के लिए इसको डेजर्ट के अंदर बनाया गया। एरिया 51 जगह डेजर्ट के अंदर है, ठीक है। और ये जो जगह है यहाँ खासकर जो है ना हाई सिक्योरिटी रिसर्च का इदारा है। ये एक्चुअली हाई सिक्योरिटी रिसर्च का कोई इदारा है। यहाँ सुनने में आया है कि यहाँ जो है ना एलियंस वगैरह जो है ना, खलाई मखलूक वगैरह उनको लेके उसके ऊपर भी रिसर्च होती है, पता नहीं क्या कुछ। एनीवेज, इस एरिया की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ सेंसर लगे हुए हैं जो आपको आपकी छोटी सी भी कोई नकलो हरकत है ना उसका भी आपको पता देते हैं। और यहाँ जो है ना सेंसर के अलावा यहाँ मिलिट्री के दस्ते हैं जो हर टाइम आपके ऊपर होते हैं, यानी देख रहे होते हैं, एरिया को कवर कर रहे होते हैं और कोई छोटी से छोटी चीज का भी जो है ना वो आपको डिटेक्ट कर लेते हैं और फौरन से पता दे देते हैं। इससे अंदाजा लगा लें कि इस एरिया की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट है। तीसरे नंबर पर आ गई अमेरिका का एक रियासत है केंटकी, वहां एक जगह है फोर्ट नॉक्स। फोर्ट नॉक्स ये जो जगह है यहाँ 1,25,000 मन गोल्ड रखा हुआ है। कितना? 1,25,000 मन गोल्ड। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 1,25,000 मन गोल्ड इस जगह में है। जी बिल्कुल, आप सर्च कर सकते हैं, 1,25,000 मन गोल्ड इस जगह में रखा हुआ है। ये जो बुड्ढी आपको मेरे साथ नजर आ रही है ये इम्तियाज सुपर मार्केट से झाड़ू लेने नहीं आई, ये भी जो है ना गोल्ड का सर्च कर रही है, देख रही है। एनीवेज, यहाँ की सिक्योरिटी सर इतनी टाइट है कि यहाँ का जो दरवाजा है ना जहां गोल्ड रखा गया है उसका जो दरवाजा है वो ही 200 मन का है। उस दरवाजे का वजन 200 मन है जी। और यहाँ जो है ड्रोन्स की मदद से 5 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना, फोर्ट नॉक्स का जो एरिया है उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर तक के एरिया को ड्रोन्स की मदद से जो है ना वो उसको कवर किया जाता है। और मिलिट्री के बेसिस यहाँ भी है जो सिक्योरिटी करते हैं और बाय एयर जो है ना वहां से भी सिक्योरिटी की जाती है। उसके बाद आखिरी जगह जिसका आप लोगों ने सुना होगा, वॉशिंगटन डीसी में जो है वो व्हाइट हाउस। जी, व्हाइट हाउस जहाँ चूतियों का आईजी रहता है। जी, डोनाल्ड ट्रंप सब रहते हैं ये व्हाइट हाउस में और वो अकेले नहीं रहते, उनके साथ उनके एम्प्लॉयज अपनी फैमिलीज के साथ वो भी इसी जगह पे रहते हैं। ये एरिया जो है 18 एकड़ के ऊपर है, 18 एकड़ के ऊपर ये बहुत बड़ी ये एक एरिया है जहाँ बिल्डिंग, जिसके बीच में बिल्डिंग्स है। इस एरिया को लोहे की बाढ़ से हर तरफ से लोहे की बाढ़ से उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि यहाँ की जो विंडोज है ना वो बुलेट प्रूफ है। सब दीवारें जो 18 एकड़ के अंदर है, सब दीवारें वो सब बम प्रूफ है। और यहाँ 1 से 2 दस्ते जो है ना 24 घंटे 12 महीने जो है ना ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी होगी वहां कोई आम बंदा आ सकता है? आम बंदा का वहां तो परिंदा भी नहीं आ सकता। जी, ये थी वो जगह जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने की मर्जी तो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ी हुई है। दिल करे तो सब्सक्राइब कर दें, वरना आप लोगों की मर्जी है। बहुत शुक्रिया।
Oh,